वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आई सी आर जे आर ऑफ़ हॉटिकल्चर टू थाउजेंड एटीन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव तक हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं द मेथड ऑफ लाइप पीलिंग इज थ्रू लाइव पीलिंग क्या होता है वेजिटेबल्स की स्किन को रिमूव किया जाता है लाइप पीलिंग में उनको हॉट कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डाल के उनकी स्किन को रिमूव किया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन आएगा कास्टिक सोडा इसमें जो कास्टिक सोडा है उसका कंसेंट्रेशन वन से टू परसेंट होता है हॉट वाट वाटर में और इसका जो टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स फिफ्टी डिग्री सेल्सियस होता है ये जनरली पीच एप्रिकॉट स्वीट पोटैटो के लिए यूज होता है सेकेंड क्वेश्चन इज सोकर इज़ अ प्रोडक्ट प्रिपेयर बाय ये जो प्रोडक्ट है वो फर्मेंटेशन से बनता है ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ वाइट कैबेज, वाइट कैबेज के फर्मेंटेशन से बनता है और मेनली इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड का जो कंसनट्रेशन होता है सॉक्रॉथ में वो वन पॉइंट फाइव परसेंट होता है फिफ्टी एट्थ क्वेश्चन द मिनिमम टोटल सॉल्यूबल सॉलिड कंटेंट्स इन द जैम शुड बी एज पर एफ पी ओ स्पेसिफिकेशन एफ पी ओ के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो जैम में टी एस एस कंटेंट होता है वो होता है सिक्सटी एट ब्रिक्स और एफ़ पी ओ उससे भी क्वेश्चन आते हैं एफ़ पी ओ क्या होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ये नाइनटीन फिफ्टी फाइफ में आया था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैंगो टिप बर्न इज़ ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगो टिप बर्न जो होता है वो बोरॉन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है या फिर कभी कभी एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स की वजह से भी होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज कॉमन टू ऑल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में सबसे कॉमन एलिमेंट है नाइट्रोजन सो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन चिलिंग ट्रीटमेंट फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इज कॉल्ड इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट को एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम हैक्सागोनल सिस्टम एकोमोडेट स्क्वायर सिस्टम से अगर हम हेक्सागोनल को उस सिस्टम को कंपेयर करें तो वो फिफ्टीन परसेंट मोर ट्रीज़ को एकोमोडेट करता है मंगला इज़ अ वेरायटी ऑफ मंगला एक बहुत ही फेमस वेरायटी है अरेका नट की मंगला सुमंगला अरेका नट यानी सुपारी जो होती है मांगलिक कार्यों में यूज़ होती है इसीलिए आप पूजा पाठ वगैरह में तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं मंगला सुमंगला ये अरेका नट की बहुत ही फेमस वेरायटी है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हाइएस्ट पाइन ऐप्पल प्रोड्यूसर इन इंडिया तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन जो आसाम है फर्स्ट ऑप्शन लार्जेस्ट एरिया अंडर पाइनएप्पल आसाम में है लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपना वेस्ट बंगाल है इंटर स्टॉक यूज इन पाइन ऐप्पल बिटवीन सायन एंड रूट स्टॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आएगा एम नाइन रूट स्टॉक मेनली यूज होता है पपाया इज अ पपाया इज़ अ टाइप ऑफ बेरी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन कैवेंडिज ग्रुप ऑफ बनाना आर जो कैंडिज ग्रुप है बनाना का वो ट्रिप्लॉयड होता है और इनका जो, जो जिनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ट्रिपल ए होता है जिनोमिन में जैक फ्रूट बिलोंग्स टू द फैमिली जैक फ्रूट यानी कटहल की फैमिली है मुरैसी एप्पल वेराइटी इंडिजिनस टू काश्मीर एंड पॉपुलर इन दैट रीजन बहुत ही पॉपुलर वेराइटी है काश्मीर रीजन में इंडिजिनस अंबरी अ शॉर्ट डे फ्रूट इज शॉर्ट डे फ्रूट है इसमें से वैसे तो पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी दोनों शॉर्ट डे फ्रूट है लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है वो टिपिकल शॉर्ट डे फ्रूट है तो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉबेरी रोज हिप्स आर द सोर्स ऑफ तो रोज़ हिप्स बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन सी के रोज़ हिप्स बेसिकली रोज़ के जो फ्रूट्स होते हैं उसको हिप्स बोलते हैं और जो रोज़ का पेटल होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का रोज हिप्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड रोज पेटल्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए द मैन मेन फेट फैटी एसिड इन कैश्यू कर्नल एस कैश्यू कर्नल में जो मेन फैटी एसिड होता है वो होता है ओलोइक एसिड इसका कंसंट्रेशन होता है सेवेंटी थ्री परसेंट वैसे लिनोलिक एसिड भी फाउंड होता है कैशु में लेकिन ओलोइक एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है पिछले साल क्वेश्चन आया था वॉलनट में कौन सा एसिड पाया जाता है तो लिनोलिक एसिड पाया जाता है वॉलनट में ओमेगा सिक्स एलो लिनोलिक एसिड पाया जाता है वॉलनट में कोकोनट इज़ आइडियल फॉर मल्टी क्रॉपिंग एज इट यूटिलाइज लैंड एरिया ओनली कोकोनट का जनरली मल्टी क्रॉपिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत कम एरिया को यूटिलाइज करती है लगभग ट्वेंटी परसेंट फाइव परसेंट एरिया विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कौन सा गैस रिलीज होता है पैडी फील्ड से मिथेन सी एच फोर टोटी पोटेंसी इन द प्लांट इज प्रेजेंट इन तो टोटी पोटेंसी जो प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है तो जनरली हम मेरिज स्टेम का यूज़ करते हैं क्योंकि मेरिज स्टेम में जो होता है सेल डिवीजन मैक्सिमम होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन्वोल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो होता है एजोटोबैक्टर तो एजोटोबैक्टर तो के अलावा क्लोस्ट्रीडियम भी एक नॉन सिम्बायटिक बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम दोनों नॉन सिम्बायटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं द क्रॉप कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द रीग्रोथ ऑफ द सब्स्टल्स क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट इज इसको हम बोलते हैं रेड टूनिंग ये जनरली शुगर केन में यूज़ किया जाता है ग्रॉस माइकल बनाना हैज़ द जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रॉस माइकल बनाना का जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ट्रिपल ए विच इज गायनोडाश पपाया तो इसका एक बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया गया है नीमराज सोंडा में डी एम सी सी टी एस एस पूसा डिलिशियस पूसा मजेस्टी कोरघनी ड्यू सी ओ थ्री टाइवान सूर्या और सनराइज सोलो सो करेक्ट ऑप्शन आएगा सोलो क्वेश्चन नंबर एट्टी डी लीफ इज़ एसोसिएटेड विथ तो डी लीफ एसोसिएटेड है पाइनएप्पल से ये एक टाइप का मेचोरिटी इन है पाइनएप्पल में बोटानिकल नेम ऑफ गोल्डन रॉड गोल्डन रॉड का वनस्पतिक नेम नाम क्या है सॉलिड एगो कैंड इज द राइट आंसर कॉर्म इज एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है ब्रिंजल वेराइटी अर्का आनंद इज रेजिस्टेंट टू ब्रिंजल की जो वैरायटी है बैगन की वैरायटी अर्का आनंद है वो बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है अर्का आनंद के अलावा अर्का केशव और अर्का निधि भी बैक्टीरियल विल्ट से रेजिस्टेंट वैरायटी है वनीला बिलोंग्स टू विच फैमिली वनीला जो है ऑर्किडेसी फैमिली को बिलोंग करता है द आइडियल पीएच फॉर टी कल्टिवेशन टी कल्टिवेशन के लिए आइडियल पीएच जो होता है फोर टू फाइव होता है और ये राइस के कल्टिवेशन के लिए भी अच्छा होता है पूसा बेदाना इज अ सीडलेस वेरायटी ऑफ पूसा बेदाना बहुत ही फेमस वैरायटी है ये बीज रहित वैरायटी है वाटर मेलन की क्लस्टर बीन बिलोंग्स टू द जीनस बीन का बोटानिकल नेम है काइमोपोसिस टेट्रागोनोलोबा सो इसका जीनस आएगा काइमोपोसिस सीड रेट ऑफ जिंजर इज अदरक की सीड रेट क्या है जनरली अदरक की सीड रेट होती है पंद्रह से अठारह क्विंटल पर हेक्टेयर पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा एटीन टू ट्वेंटी टू किलो कुंटल पर हेक्टेयर लीक इज बॉटेनिकली नून एज लीक का बॉटेनिकल नेम है एलियम पोरम कार्नेशन बिलोंग्स टू द फैमिली कार्नेशन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है क्रायोफाइलेसी स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ये एक टाइप का पार्थेनोकार्पी है ये ग्रेप्स में, में फाउंड होता है इसमें जो सीडलेसनेस होती है एम्ब्रियो के अबॉर्शन की वजह से हो जाती है इसीलिए ग्रेप्स में बीज नहीं पाए जाते हैं कुकिंग बनाना और नूनेस कुकिंग बनाना को प्लान्टस भी कहते हैं और इसको स्टार्ची बनाना भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट इन फ्रूट फ्रूट शुगर फ्रक्टोस को कहते हैं और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है आफ्टर ब्रूशिंग ऑफ लीवस एंड फ्लावर्स विच क्लाइंबर एम इट गार्लिक लाइक ए स्मेल किस क्लाइंबर से जब हम उसको मसलते हैं तो गार्लिक यानि लहसुन जैसी स्मेल आती है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा एडेनो क्लाइमा एलिएसम एलिएसी लिली की गार्लिक की फैमिली भी है और इसको गार्लिक प्लांट भी बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्री कौन सी खुशबू वाली फ्लावरिंग ट्री है सो so, इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ममोसपस लेंगी इसको मोलश्री भी बोलते हैं इसका कॉमन नेम है ये एक फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्री है अग्निहोत्री इज़ अ वेरायटी ऑफ अग्निहोत्री जो वेराइटी है बहुत ही फेमस वेराइटी है आर्थुरियम की अग्निहोत्री के अलावा भी लेवर रॉड और लीमा वाइट पॉपुलर वेरायटी है आर्थूरियम की द फ्रूट विच कैन बी रायपेंड आर्टिफिशली आफ्टर हार्वेस्टिंग कौन से ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं जो तोड़ने के बाद भी आर्टिफिशली हम पका सकते हैं ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं कैशो कर्नल स्किन कैशो कर्नल स्किन को हम टेस्टा भी बोलते हैं अब पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो मैंगो की पॉलीअम्ब्रियनिक वेराइटी है ओल्योर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम इज वेरी कॉमन इन मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है जो सबसे कॉमन है प्लांटेशन क्रॉप में जनरली कोकोनट के लिए यूज होता है केरला साइड में मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम द फैमिली टू विच कॉफ़ी बिलोंग्स कॉफी कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है रूबी बी ए सी द सीड ऑफ कैबेज कैन ओनली बी कमर्शली प्रोड्यूस अंडर सीड ऑफ कैबेज जनरली हम टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं रेड फ्लैश पंपकिन आर द रिच सोर्स ऑफ रेड फ्लैश पंपकिन जो होते हैं बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन ए का चिली हाइब्रिड वन वॉज डेवलप्ड डेट चिली हाइब्रिड फर्स्ट डेवलप हुई थी पाव लुधियाना में ये मेल स्टेराइल लाइन का यूज़ करके डेवलप की गई थी शॉर्ट बैरी इज़ ड्यू टू द डिफिशियसी ऑफ शॉर्ट बेरी किसकी कमी की वजह से होता है तो बोरॉन की कमी की वजह से होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैंगो एट हारवेस्टिंग शुड बी अराउंड मैंगो की हारवेस्टिंग के टाइम पे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली वन पॉइंट जीरो टू होता है सो करेक्ट ऑप्शन आएगा वन वाटर यूज इफ़िशियंसी इन इज़ द रेशियो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी रेशियो होता है इल्ड का और इवर प्रो का हेट्रोबेल्टोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर हैट्रो को हम एस्टिमेट करते हैं बेटर पेरेंट के ऊपर द मोस्ट सेंसिटिव फेज ऑफ सीरियल्स फॉर वाटर स्ट्रेस सीरियल्स जितने भी सीरियल्स हैं सबसे ज़्यादा उनमें सेंसिटिव फेस होता है वाटर की कमी जब होती है उनमें रिप्रोडक्टिव फेज में होता है तो करेक्ट ऑप्शन आएगा पेनिकल इनिशिएशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सन्थिस ऑफ ट्रिप्टोफेन एज ऑफ ऑक्सिन आई ए ए इन में से कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है सो करेक्ट ऑप्शन आएगा जिंक जिंक का यूज़ होता है स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू द फैमिली स्वीट पोटैटो की फैमिली है कॉनवलबुलसी ऑर्किड्स आर डिवॉइड ऑफ ऑर्किड्स में इंडोसपम नहीं पाया जाता है इसीलिए इसमें माइक्रोप्रोपोगेशन का यूज़ किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज ऑटोगैमस ऑटोगैमस यानी सेल्फ पॉलीटेड कौन सा है इसमें से सो करेक्ट ऑप्शन इज टटो टोमेटो इज सेल्फ पॉलीनेटेड टी मॉस्कीटो बग इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ टी मॉस्किटो सीरियस पेस्ट है कोकोनट का स्कैल्ड इज अ स्टोरेज डिसऑर्डर इन स्कैल्ड एक स्टोरेज डिसऑर्डर है पियर में पैचेस पड़ जाते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटेड फ्लावरिंग ट्री इनमें से कौन सा खुशबू वाला फ्लावरिंग ट्री नहीं है सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ माइकेलिया चंपा माइकेलिया चंपा का कॉमन नेम है गोल्डन चंपा ये बहुत ही ज़्यादा सेंटेड वेरी हाईली सेंटेड वेराइटी होती है दूसरा है मिलिंगटोनिया हॉटेंसिस इसका हम ट्री जैसमिन भी बोलते हैं इंडियन कोर्क ट्री भी बोलते हैं अबाशनम भी बोलते हैं ये भी हाईली सेंटेड ट्री है थर्ड ऑप्शन इज़ मैग्नोलिया ग्लैंडी फ्लोरा इसको लिली ट्री भी बोलते हैं या बारा चंपा भी बोलते हैं ये भी एक सेंटेड ट्री है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कैम्फू स्पैथोडिया कैम्पूनलाटा ये जो है इसका कॉमन नेम ट्यूलिप ट्री है और ये सेंटेड ट्री नहीं है श्रीकारा इज़ अ वेरायटी ऑफ श्रीकारा बहुत ही फेमस वेराइटी है ब्लैक पेपर की काले मिर्च की अ वेजिटेबल हाईली टॉलरेंट टू सॉयल एसिडिटी सॉयल एसिडिटी के लिए हाईली टॉलरेंट वेजिटेबल है पोटैटो राजेंद्र स्वाति इज़ अ वेरायटी ऑफ राजेंद्र स्वाति जो वेराइटी है करेक्ट ऑप्शन है कोरिएंडर की कुछ बुक्स में आपको फैन्योग्रिक और कोरिएंडर दोनों मिलेगा जैसे ग्लास्टस में लेकिन करेक्ट ऑप्शन आएगा कोरिएंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोलिएज क्लाइंबर फोलिएज क्लाइंबर कौन सा है इनमें से सो करेक्ट ऑप्शन इज मोनेस्ट्रा डिलीसियोसा ये एक फोलिएज क्लाइंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेनूअर इनमें से कौन सा कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मेनुअर नहीं है सो करेक्ट ऑप्शन इज वर्मी कम्पोस्ट मोबेलिटी इज़ इन द गार्डन इज़ क्रिएटेड बाई मोबेलिटी जो है गार्डन में क्रिएट की जाती है डिसिडियस ट्री को प्लांट करके ऑल द स्पीसीज ऑफ़ कैप्शिकम आर डिप्लॉयड विथ क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैप्सिकम की जितनी भी स्पीसीज होती हैं सब डिप्लॉयड होती हैं इसका क्रोमोसोम नंबर होता है टू वन इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव द एफ वन हाईब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मैरीगोल्ड टेक्स प्लेस बाई यूजिंग एफ वन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो गेंदे में किया जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोनों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टर्लिटी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स सीडलेसनेस इन ग्रेप्स इज इंड्यूस्ड बाय द फोलियर स्प्रे ऑफ द फॉलोइंग पी जी आर सीडलेसनेस को इंड्यूस करने के लिए ग्रेप्स में हम फोलियर स्प्रे करते हैं जी ए थ्री हॉर्मोन का पी जी आर का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जिसकी वजह से ग्रेप में सीडलेसनेस आ जाती है थैंक यू एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़े हुए सभी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले